Assalamualaikum guys, hope all you are healthy, wealthy and fine. So today we are going to very important topic, that is the scapula. So in this topic we are going to discuss scapula posterior side. In a previous topic we already discussed about scapula anterior side, right? So here we have discussed about scapula, its posterior side, right? तो स्केपुला अगर आप देखें तो एंगल की बात करते हैं, एंगल हमारे पास स्केपुला में तीन एंगल होते हैं, हमने पढ़ा था तीन एंगल होते हैं, कौन से? सुपीरियर एंगल और दूसरा हमारे पास जो होता है नीचे जो है हमारे पास कौन सा है, इन्फीरियर एंगल। और हमारी जो बैक साइड जाके किसके साथ, अगर पोस्टीरियर साइड या जाके कनेक्ट होती है किसके साथ, ह्यूमरस के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमियल एंगल। तो तीन एंगल हमारे पास होते हैं, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एंड एक्रोमियल एंगल। फिर हमने पढ़ लिया था स्केपुला जो है उसके हमारे पास क्या होते हैं, बॉर्डर कितने होते हैं। तो अगर आप देखो तो सुपीरियर बॉर्डर और फिर ये वाला बॉर्डर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल बॉर्डर, ठीक है, इसका नाम। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो बॉर्डर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियल बॉर्डर। तो स्केपुला में तीन बॉर्डर होते हैं, कौन सा, मीडियल बॉर्डर, क्योंकि ये मिडिल साइड है, ठीक है। और ये हमारे पास फिर लेटरल बॉर्डर है, और ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर और ये सुपीरियर बॉर्डर। तो हमारे पास स्केपुला में तीन बॉर्डर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे इसको हमने नाम दिया था, ये जगह हमारे पास जो है इसको हमने कहा था, ये हमारे पास कैसे क्रोकाइड प्रोसेस है। और जो ये इसकी जो निक है इसको हम कह कहते हैं, एक्रोमियल निक भी कहते हैं, ये जाकर अटैच होती है किसके साथ, स्केपुला, सॉरी, ये हमारे पास ह्यूमरस के साथ अटैच होती है। तो इसको हम यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारे पास क्या है, सर्जिकल लीक इसकी है, ह्यूमरस की। तो स्केपुला तीन एंगल हमारे पास होते हैं, स्केपुला में कौन से, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एंड देन वी हैव एक्रोमियल एंगल। फिर तीन बॉर्डर होते हैं हमारे पास, कौन से बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर एंड देन वी हैव मिडिल बॉर्डर एंड देन वी हैव लेटरल बॉर्डर। अब फोसा की बात करेंगे तो स्केपुला में हमारे पास तीन फोसा, एक हमारे पास हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि हमारे पास सब स्केपुलर फोसा होता है इंटीरियर साइड। तो बैक साइड हमारे पास दो फोसा होते हैं, कौन सा होता है, सुप्रास्पाइनेटस फोसा, यानी ये वाला जो, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फोसा होता है, इसको कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा। और ये नीचे जो होगा इस रीजन को क्या कहते हैं, स्पाइनस कहते हैं। तो ऊपर हुए तो इस वजह से हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस, और नीचे होगा तो नीचे जो फोसा है उसका नाम हमारे पास होगा इन्फ्रास्पाइनस फोसा। तो ये आपने याद करना है, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इन्फ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है। ये हमारे पास मेन इसमें ये बात आ गई। तो इसमें हमारे पास नंबर वन एंगल की बात वेरी इंपॉर्टेंट है, तीन एंगल हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर है, कितने बॉर्डर है स्केपुला में, हमारे पास ये तीन बॉर्डर है, राइट। अब उसमें फोसा कितने, एक इंटीरियर साइड है और दो हमारे पास पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड जो ऊपर वाला बॉर्डर है, फोसा है, उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, और नीचे जो फोसा होगा उसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं इन्फ्रास्पाइनस फोसा, राइट। तो ये हमारे पास जगह होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निक कहते हैं। और ये हमने पीछे पढ़ लिया था कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेनाइट कैविटी, यहाँ पर ग्रेनाइट कैविटी के साथ आके अटैच है, ह्यूमरस का जो बाल है वो आके हमारे पास क्या होगा, अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें मेन इंपॉर्टेंट वेरी पॉइंट, यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, नोच कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर नोच है, कौन सा नोच है, सुप्रास्केपुलर नोच हमारे पास है। तो ये हमारे पास था स्केपुला पोस्टीरियर साइड, राइट, ये हमारे पास था स्केपुला पोस्टीरियर साइड। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।